हेलो हेलो, हेलो सर, हाँ जी कौन मुजम्मिल खान बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं यार? सर मैं फ्लाइट से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपकी फ्लाइट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग चल रही है? हाँ वो तो चल रही है, पता है मैडम, मुझे पता है। हाँ तो सर, सर कब तक पे करेंगे सर, पता है तो? इसको सन 2025 में पे करेंगे मैडम। हेलो, ज्यादा जल्दी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, 2030 में कर देंगे, फिर जल्दी हो जाएगी। तो सर और भी जल्दी बता रहे हैं आप तो यार। हेलो खान साहब नमस्कार। हाँ जी क्या हाल चाल है खान साहब? बढ़िया, अभी कॉल करी थी ना इस नंबर से मैडम ने। किस नंबर से? बेटा पहले भी कॉल मिलाया क्या तूने इनको? दो मिनट खान साहब को। वो कह रही मैं मिला रही थी पर आप सीट पे नहीं थे तो मैंने काट दिया था। वो कह रही नहीं सीट पे था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात हुई है मैडम से अभी। अरे तेरी बात हुई है क्या बेटा उनसे? वो कह रहे बात हुई है। हो सकता सर मुझे बच्चे का कॉल आया हो आप। कोई बात नहीं, आगे बताइए सर। खान साहब एक बार मिलना चाह रहा था आपसे। जब मर्जी मिलो सर। कर रहे हैं ना आप? हाँ जी वही है सर, 25 साल से वही रह रहे हैं हम। मंत्री शायद आपकी बात हुई थी, कोई मिस्टर पंकज हैं उनसे शायद आपकी बात चल रही थी, कुछ 5,000 देने की बात हुई थी। 5,000? हाँ सर, छोटे भाई की तरह जानना चाह रहा हूँ क्या परेशानी आ रही है जो पेमेंट रोकी हुई है सर? क्या परेशानी? परेशानी कुछ भी नहीं है सर, इंटेंशन इशू है। खान साहब इतना बढ़िया ट्रैक रहा है, ऐसे शब्द ना, मुझे लग रहा है कि आप दिल से बोल रहे हो, अपनी आत्मा से बोल रहे हो, या आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। बस आप यही समझ जाइए, इंटेंशन इंटेंशन इशू होता तो सर ये कुछ भी ना दिया होता है अकाउंट में, पूरा चुका मारा होता और आप गायब हो गए होते। वही आपने चुकाया भी है टीएल साहब, वही कह रहा हूँ मैं कह तो रहा हूँ, खर्चा भी है चुकाया भी है, खर्चा भी है चुकाया भी है सर। इंटेंशन इशू नहीं हो सकता आपके अकाउंट में सर। चलो आप कुछ समस्या है, कोई गलती हुई है तो सर बताओ, छोटा भाई आके मिल लेता है, कोई बात निकाल सर, जैसे मिलने आपको को सर जब मर्जी आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस आपके पास है, आप मिल के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं सर, कल का प्लान करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इच्छा जानना चाह रहा था खान साहब की, क्यों गुस्सा है? सर गुस्सा नहीं है सर, मैंने आपसे क्या बोला सर, गुस्सा नहीं हूँ, मेरा इंटेंशन इशू है। अभी मेरे जेब में कम से कम 2 लाख रुपए पड़े हैं, बट मेरा इंटेंशन इशू है सर। खान साहब दे लागे खत्म करो ना, रिवर्सल बहुत बढ़िया करा दूंगा। नहीं सर है नहीं, आप अल्लाह को मानिए मैं ईश्वर को मानूं, दोनों एक चीज है, पावर एक ही है। दिल से कह रहा हूँ इतना बढ़िया रिवर्सल दे दूंगा, जो आज तक चार्जेस लगे हैं जब से आपका पैसा रुका है सारा वॉश आउट कर नहीं दे पाओगे। राइट ऑफ हो गया ये अभी? हाँ जी राइट ऑफ हो गया केस अभी ये? नहीं सर, राइट ऑफ में ले जाके भी कुछ नहीं निकलेगा सर। अच्छा सेटल कराएंगे, जो सेटल आपको ये स्लाइस है सर, कोई बैंक नहीं है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, भाइयों वाली बात है। पैसा ना देना, देखो देना ना देना आपकी कॉल है खान साहब, आपके देने से भी तनख्वाह नहीं रुकेगी छोटे भाई की, नहीं, और आपके नहीं, ना देने से भी नहीं रुकेगी सर। सही बात है, गलत तो नहीं कह रहा सर, मेरी नौकरी है, मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, मेरी ये मतलब वर्किंग है, ये करनी पड़ेगी सर। एक्चुअली क्या है, जिस हिसाब से आप ये कॉल कर रहे हो ना, आपके 4-5 महीने पहले आपके अगर जितने भी जो भी एजेंसी में मेरा केस गया था, अगर वो भी इस तरीके से बात कर लेते ना, तो मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके आज उसको सेटलमेंट करा भी देता और ख़त्म भी कर देता। बट मेरा सर अभी से इंटेंशन हो गया है कि पैसा देना ही नहीं है, 2025 क्या 30 भी हो जाएगी तब भी नहीं देना। तो आपका कहने का मतलब आप माइंड मत करिएगा, दुखद भोगियो कि किसी ने आपसे बदतमीजी की और आपको दुख पर गुस्सा भी है। बस हाँ वही है, बट मैंने भाई आके, अगर भाई आके चरण पकड़ के माफी मांग ले, नहीं 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 ऐसे उससे सर कुछ भी नहीं होगा। मुझे वो बंदा, हाँ जिसने करी है बदतमीजी, वो बंदा ला के दे दोगे तो मैं दे दूंगा पूरा पैसा। खान साहब एक चीज जानता हूँ, आप मेरे से शायद, आपकी एज कितनी एज आपकी? मेरी सर क्या एज है, मेरी जो 27 एज का हूँ सिर्फ बस। तो ये आपके फादर साहब के नाम पे अकाउंट है, आप ही के नाम पे? नहीं मेरे नाम पे है, मुजम्मिल खान मेरा नाम है। अच्छा आप ही के नाम पे है, तो भाई आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरी उम्र 40 साल है छोटे भाई। हाँ वही कह रहा हूँ सर, मैं मेरा जो आज का जो फीडबैक है ना, ग्रेजुएशन मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मिलूंगा। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरा जिस हिसाब से कार्ड का और जो भी सिविल का जो मेरी वो थी ना, जो क्वालिटी थी,
मेरे पे 11 कार्ड चलाता था मैं एक टाइम में, और मेरे को अगर इंटेंशन मेरा अगर कोई ऐसा फ्रॉड करने का होता ना सर, तो मैं 11 कार्ड में से 5 कार्ड बंद करा के ये सब कुछ नहीं करता। अगर मुझे करना होता ना सर, मैं 11 कार्ड पे लेकर पैसे बैठ जाता सर, खाता में है ना। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ सर, कॉल पे बात नहीं होगी, आप कल आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।